जो जिद्दी है वही जीतेगा। ये एक गलती इंसान को भिखारी बना देती है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इन जिंदगी में हमें पीछे खींचती हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। कई बार हम सोचते हैं यार दिवाली पे ना नई गाड़ी लेंगे, दिवाली पे ना हम नया टीवी लेंगे, नया फ्रिज लेंगे, अपनी बीवी को गहने दिला के लाऊंगा या फिर अपने बच्चों को कहीं दूर घुमाने यूरोप लेके जाऊंगा, मगर इनमें से कुछ भी नहीं हो पाता। क्यों क्यों ऐसा नहीं हो पाता? कई बार हम सोचते हैं यार अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो काम नहीं हो पाता। कई बार हम सोचते हैं एक नया घर ले लेंगे, यार नहीं कोठी लूंगा, कोठी लेगा तेरा भाई, हम ऐसे सोचते हैं। और यही बातें हम अपने किसी दोस्त को बता देते हैं, तेरा भाई कोठी ले रहा है, अब देख तेरा भाई धूम मचा देगा। ऐसी जब हम बात किसी से कर देते हैं ना, फिर उसी के बाद कुछ टाइम बाद वो काम नहीं बनता। दिवाली के पास ना गाड़ी मिलती है, ना घर मिलता है, ना कुछ मिलता, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। कोई डील आपने क्रैक करी, वो डील कल पैसे आने थे, आने बंद हो गए। भैया क्या आया ही नहीं पैसा, सामने वाले ने बात ही नहीं करी, क्या सर अब मेरा मूड बदल गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के अंदर आंटियों वाली आदत है। आंटी भी वैसी वाली जिसके पेट में कुछ ना पचता हो और अगर कुछ पता लग जाए तो पेट फूलने लग जाता है, ऐसी आंटियों वाली आदत है आपके अंदर। इसीलिए जिंदगी में आपके काम नहीं बनते। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंसान को कौन से ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए, जिससे उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। अभिमन्यु की स्टोरी सुनाऊंगा। अभिमन्यु नाम का लड़का, एक उसकी लाइफ में लड़की थी कनिका नाम की, और उससे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इनफैक्ट उसके घर में आना जाना और काफ़ी ज़्यादा क्लोज था उसके, दोनों के बीच में कभी लव यू नहीं हुआ था, मगर बहुत बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। दोनों एक दूसरे से बहुत अंदर ही अंदर बहुत प्यार करते थे, और क्योंकि वो स्मॉल टाउन से थे इसीलिए अभिमन्यु की लाइफ में उसको सोचता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ बनूंगा। और वो अक्सर अपने ये गोल्स, अपनी ये बातें अक्सर वो डिस्कस करता था कनिका के साथ। बोलता था कि यार मैं ये बनना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, मैं बड़े शहर में जाके कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, एक अच्छा सा घर खरीदना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को भी ले जाऊँगा। मगर ये सारी बातें जब वो कनिका से करता तो कनिका यही कहती थी, इतना आसान नहीं है, बड़े शहर में जाओगे वहाँ कितना प्रदूषण है, ये वो, इस किस्म की बातें करती थी। अच्छी लगती थी उसको उसकी बातें अभिमन्यु को, मगर उससे वो उसको लगता था कि यार मैं कैसे ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँ, पैसा भी तो कमाना ज़रूरी है ना। वो कई बार कनिका को कहता था कि हम शादी के बाद हम दोनों बाहर चल पड़ेंगे, सारा परिवार चल पड़ेगा। कनिका कहती थी अच्छा चलो देखेंगे सोचेंगे, तुम मत जाना इंडिया, यहीं पर रह लेना, हम साथ में यहीं पर रह लेंगे, ठीक है ये वो, ऐसे करके वो उसे बोलती थी। कई बार वो अपने घर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था तो वो कहती थी कि यार तुम्हें ना अलग रह लेना चाहिए, तुम्हारे घर वालों की प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी, तुम्हारे मम्मी पापा लड़ते हैं ना तो उनको लड़ने दो यार, अलग रह लेंगे हम शादी के बाद, वो उसको कई बार बोलती थी ये बातें। अभिमन्यु अपने घर के डार्क सीक्रेट्स भी कनिका को बता देता था, सारी बातें। इनफैक्ट उसके दोस्त नहीं थे, वो उसी को अपना सब कुछ समझता, दोस्त बंधु सखा बेस्ट फ्रेंड गुड फ्रेंड बैड फ्रेंड गर्लफ्रेंड सब कुछ उसकी कनिका थी, इसलिए वो सारी बातें बता देता था। फाइनेंसिस भी घर के बता देता था, यहाँ से इतना पैसा आ रहा है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ फिलहाल की जॉब से, ऐसे ऐसे ज़िंदगी कट रही है, इतना ये वो खर्चा। कनिका को उसका इन एंड आउट सब कुछ पता था, वो जस्ट लाइक ओपन किताब था उसके लिए। ऐसी सिचुएशन में अभिमन्यु बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा। वो सोचता था यार ये मेरे को कभी बोलती नहीं कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँ, मैं कोई पैसा कमाऊँ, हमेशा नकारात्मक बात करती है। वो बहुत परेशान सा रहने लगा, यार क्या करूँ मैं, ये भी कहती है मेरा काम नहीं बनेगा, कोई मैं बाहर बड़े शहर में जाऊँगा तो काम नहीं बनेगा, यहाँ पर भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो काम नहीं बनेगा, ये हमेशा ये बोलती, इतना आसान नहीं है। तो अभिमन्यु का भी कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिरने लगा, उसको लगने लगा यार क्या करूँ मैं, नहीं बनेगा काम, वो उसको भी हार सी मान ली। एक दिन शाम को उसने सोचा चलो कनिका से मिलने जाता हूँ। कनिका के साथ मिलने गया तो उसको पता लगा कनिका तो मुंबई गई हुई है, फॉर्म भरने गई है, अपनी जॉब के लिए भी और अपने कॉलेज के लिए भी, पढ़ाई भी करूँगी जॉब भी करूँगी। उसने उसकी मम्मी से पूछा कहाँ गई है, तो कहती कनिका तो बेटा मुंबई गई है अपने पापा के साथ, वहाँ पर जॉब उसने अप्लाई करी है प्लस अपनी वहाँ पढ़ाई भी करेगी। ये बात सुन के तो बहुत चक्कर रह गया, हिल गया, ये क्या हो गया, पाँव से नीचे ज़मीन खिसक गई यार, मेरे को तो वो बोलती थी कभी बाहर नहीं जाऊंगी, खुद बाहर चली गई और मेरे को बताया भी नहीं। उसकी मम्मी को लगा कनिका की कि इसने बताया होगा अभिमन्यु को, उसने फिर बात गोल गोल कर दी। अक्सर लोग गोल गोल कर देते हैं बात, नहीं नहीं बेटा वो एक्चुअली मुंबई, पापा के भी इसके काम था, वो तो ऐसी चली गई, वो घबरा गई कहीं इसको छोड़ ना दे, क्योंकि अभिमन्यु थोड़ा बहुत तो फाइनेंशियली साउंड था, ऐसी एकदम से उसकी माँ लालची किस्म की थी, उसको था कि ये ना निकल जाए मुर्गा हाथ से, तो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। अभिमन्यु को एक मिनट लगा
कि वो चक्रव्यूह में फंस गया है, वो किसी के चक्रव्यूह में फंस गया है। उसको एक मिनट लगा, मगर अभिमन्यु तो अभिमन्यु था, उसे पता था कि कैसे चक्रव्यूह में घुस के कैसे उसको भेजा जाता है, कैसे लड़ा जाता है। वो वॉरियर था, उसने कुछ भी नहीं करा, उसने इस बारे में डिस्कस ही नहीं करा। जब वो कनिका से मिला, कनिका ने उससे पूछा, तुम मम्मी से मिले थे क्या? कहता हाँ, क्या हो गया, तुम मुंबई गई थी ना घूमने फिरने, गई होगी ना? कहती हाँ घूमने ही गई थी। उसे लगा कि अभिमन्यु को नहीं पता, कनिका खुश, अंधेरे में थी वो। अभिमन्यु को एक बात पता थी कि मुझे मूव ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसने एक और बात किसी महान पुरुष से सीखी थी, जिंदगी में जिसके पांव नहीं पसंद, जिसकी शक्ल नहीं पसंद, उसके पांव देखने पड़ जाते हैं। इसलिए उसने कनिका से बिगाड़ी नहीं, उसने कनिका से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करी, कनिका को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, उसने बस उसके साथ टाइम पास करता रहा, वक्त को निकालता रहा, हौले हौले, धीरे धीरे, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से चले जाना, ये सोच कर वो धीरे धीरे उसके साथ टाइम बिताता रहा। वक्त बीतने लगा और एक डेढ़ महीने बाद ही कनिका ने उसे बोला कि मैं मुंबई जा रही हूं, मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया है, मैं वहां पर, मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। उसने कहा अच्छा, तुम तो कह रही थी कभी जाओगी नहीं। कहती हाँ शायद मैं इंटरव्यू दे दूंगी, शायद ना जाऊं, तुम भी चल पड़ो मुंबई, बट अपने पेरेंट्स को मत लेकर आना। उसने कहा चलो ठीक है, चलता हूं तुम्हारे साथ, चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलूंगा। और वो चल पड़ा, दोनों मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद सुबह सुबह अपने काम पे निकले, शाम को दोनों मिले फिर से। कनिका ने बोला मेरा यार इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ और मैं वापस जा रही हूँ अपने गांव, तुम भी चल रहे हो? वो कहता नहीं, यहां तो मैंने घर ले लिया, मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट यहां पर कर यहां पे बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, और मेरे मम्मी पापा भी यही रहते हैं, आ जाओ मिलके जाओ। उसे घर लेकर गया, अपने मम्मी पापा से मिलवाया, अच्छे से साइलेंटली बदला लिया। ये बदला ही है, आप बदला ऐसे लीजिए जो आपकी कामयाबी से बदला है। ये जो बदला लेते हैं ना, सर फोड़ दिया, मार दिया, पीट दिया, पीछे बुराई कर दी, ये सब के सब ऐसे घटिया किस्म के लोग करते हैं, काम कभी भी नहीं करना चाहिए। वो उसको घर लेके गया, मम्मी देखो कनिका यहाँ आई थी, इसकी जॉब लगी नहीं। हाँ आंटी नहीं लगी है वो। कोई नहीं बेटा, अब एक काम करो बेटा, उसकी मम्मी भी बड़ी चलाक, अभिमन्यु की, बोला बेटा शादी कर लो, अब तुम छोड़ो क्या करोगी यहाँ मुंबई। कहती अच्छा, फिर बताओ कब अभिमन्यु से। कहती नहीं बेटा, हमने तो उसकी लड़की देखनी शुरू कर दी है और एक आध पसंद भी कर ली है, तुमने कुछ बताया ही नहीं तो हमने ढूंढनी शुरू कर दी। वो रोती हुई वहां से चली गई। बस इसके बाद कभी भी अभिमन्यु ने उसको कॉल नहीं करा, ना उसने करा। इसे कहते हैं बदला, किसी से बदला लेना है तो इससे कहते हैं। अपने सीक्रेट्स, अपने गोल्स, लाइफ में आप क्या करना चाहते हो किसी को मत बताओ भैया, कोई आपकी कामयाबी से खुश नहीं होगा। अपने डार्क सीक्रेट्स, आप अच्छा करते हो, बुरा करते हो, जिस भी किस्म के इंसान हो, किसी को कुछ मत बताओ। अपने फाइनेंसेस मत बताओ, अपने सुख दुख कुछ भी हो, कुछ भी किसी को मत बताओ अगर जिंदगी में खुश रहना। ये गलती आपको भिखारी कभी भी बनने नहीं देगी। अगर आप एक गलती करोगे तो हमेशा फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। किसी को मत बताओ, अपने अंदर रखो, चुपचाप निरंतर मेहनत करते रहो, कामयाबी अपने आप आपके पास आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।